Hey guys, this is Sarpe and welcome to Study World. तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हम लोग बचपन में कभी पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सारी बातें बिल्कुल फुल डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखने से पहले आप पढ़े हुएगा और हमने पढ़ाया है, आपको याद होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि नेट फोर्स हमारा क्या होता था, जीरो। नेट फोर्स जीरो, और जब नेट फोर्स जीरो होगा तो आप समझ सकते हो क्या, एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। और जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो आप ये भी समझ सकते हो कि हमारा स्पीड जो होगा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा गौर करोगे कि फोर्स जो होता था नेट फोर्स वो होता था क्या, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। हम लोगों ने ये पढ़ा था, याद होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होता है, मास वेरी करता है, मास बदलता है, मास इंक्रीज करता है। लेकिन हमें जो एक वैल्यू आया था एफ इक्वल एम इन टू ए, वहां पर इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया था, और तब हम लोग लिए थे जब हमारा मास क्या था, कॉन्स्टेंट था। उस कॉन्स्टेंट केस के लिए हमारा वह स्पेशल केस था। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब क्या कह रहे हैं, क्या कि द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बातें हमें न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में बोले। न्यूटन फर्स्ट में बातें समझ गए, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और स्पीड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन अभी हमें डिस्कस करना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आइए इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ लेते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ। अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जरा गौर फरमाइए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एक बेसिकली बेसिक डिफरेंस डेफिनेशन है क्या, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब याद करिए, अक्सर आपने सुना होगा कि आपको कोई एक थप्पड़ लगा देता है, आप मान लो ना किसी को थप्पड़ लगा दे, उसने भी आपको रिवर्स में एक थप्पड़ लगा दिया, तो आप क्या करते हो, न्यूटन थर्ड लॉ है। ये बेवकूफ वाला बात हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ लगाए, उसने आपको थप्पड़ लगा दिया। अरे भाई, आप थप्पड़ लगाते हो तो सिर्फ गाल पे फोर्स लगाते हो ना, ये हथेली से क्या गाल पे फोर्स लगाते हो, वो भी आपको क्या करता है, रिवर्स में दे देता है। तो ये कोई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल कर रहा है, वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। फिलहाल आप इतना जान लो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो ना कि आप इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हो, तो जो आप वॉल पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या होता है कि वॉल भी जो होता है रिवर्स में आपको फोर्स लगाता है। ये एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि हकीकत में आखिर क्या होता है। आप कभी एक बात नोटिस कीजिएगा, ये सरफेस है और यहां पे एक ब्लॉक है, ये मास इसका एम है, तो आप समझते हो मास जो है, मास वेट के कारण उसका एमजी यहां लग गया फोर्स। और ये सरफेस जो क्या है, ये सरफेस ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स लगा देते हो। अब आप बताओ मुझे, क्या यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल में कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां पे हमारा नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा एन माइनस एम जी इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन हमारा यहां पे जीरो है, तो क्या लिखेंगे, एन माइनस एम जी इक्वल जीरो, तो एन इक्वल क्या आया, एम जी आया ना, एन इक्वल एम जी। अब जरा सोचिए, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, क्या कंफ्यूजन होता है,
वो मैं डिस्कस आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, आप जरा सोचिए, यहां पे मैंने क्या कहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैंने कहा ना। तो अब जब देखिए नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, तो यहां पे क्या है, अपोजिट है, और देखिए इक्वल की बात है तो आप देख लो एन इक्वल एमजी, यानी नॉर्मल और एमजी इक्वल है, तो अपोजिट भी है और क्या इक्वल है। तो आप मुझे बताओ क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फुलफिल कर रहा है, क्वेश्चन मेरा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या ये फुलफिल कर रहा है, क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल कर रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं कर रहा है। अब मन में ख्याल होगा कि सर आप कैसे कर रहे हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जबकि आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है कि इक्वल भी होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लो नॉर्मल अपवर्ड में है, एमजी डाउनवर्ड में, क्या इक्वल है, बेशक यहाँ पे इक्वल है, लेकिन आप इसके बावजूद भी आप क्यों नहीं कह रहे हो कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फुलफिल कर रहा है? तो बस उसी कंडीशन, उसी क्राइटेरिया को, उसी बात को तो हमें जिक्र करना है कि यहां पे ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखिए। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए सबसे पहली बात तो होना चाहिए क्या कि फोर्स, सबसे पहली बात क्या है कि एक बात बता दूं, यहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखना है, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। अब फर्स्ट नंबर बात है, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। फर्स्ट नंबर हमेशा फोर्स क्या होना चाहिए कि डिफरेंट बॉडी पर लगना चाहिए। सेकेंड बात आपका क्या है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा फोर्स जो होना चाहिए उसमें, एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स होना चाहिए वो हमेशा पेयर होना चाहिए। अरे भाई इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो उधर से भी तो हमें फोर्स लगाएगा, यही तो पेयर है। और यहां पे मैंने बोला क्या कि फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, फोर्स हमेशा क्या होता है डिफरेंट बॉडी पे लगता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे बिल्कुल सही बात है, हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, हथेली से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इस वॉल पे, इस बोर्ड पे, तो ये बोर्ड भी हम पे फोर्स लगा रहा है। तो अब बताओ डिफरेंट बॉडी हुआ कि नहीं, मेरे हथेली पे, हमने हथेली पे फोर्स लगाया, बोर्ड पे, और बोर्ड क्या किया, मेरे हथेली पे फोर्स लगाया, तो यहां पे बॉडी तो डिफरेंट हुआ ना, हथेली अलग बॉडी है, बोर्ड अलग बॉडी है, तो दो अलग बॉडी पे फोर्स लगा इसलिए। और थर्ड बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर, एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। अब इन सेम नेचर कहने का क्या मतलब सुन लो, यही बात है जो हम यहां पे एन इक्वल एमजी जो कह रहे हैं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा, गॉड मारिएगा। सबसे पहली बात है फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी पे फोर्स लगता है, मैं वॉल पे फोर्स लगाता हूं तो वॉल मेरे को अपने फोर्स लगाता है, यहां पर दो बॉडी है कि नहीं, दो डिफरेंट बॉडी है, चलिए। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा फोर्स पेयर में लगता है, हम उधर फोर्स लगा रहे हैं उधर से मेरे को फोर्स लग रहा है, पेयर में है ना, पेयर में फोर्स है। और थर्ड पार्ट क्या है कि एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर, एक्शन जो लगा रहे हैं और रिएक्शन जो मेरे को हो रहा है वो दोनों सेम नेचर होना चाहिए। ये सेम नेचर कहने का क्या मतलब है जरा गौर पाओ, अगर नॉर्मल ऊपर लग रहा है मान लो ये एक्शन, तो रिएक्शन भी जो होना चाहिए वो क्या जानते हो, नॉर्मल डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहां पर बताओ जैसे एन इक्वल एन होना चाहिए, अगर मान लो एनजी डाउनवर्ड लग रहा है तो एनजी अपवर्ड होना चाहिए, यही तो है, यही आपका यहां पे सेम नेचर का है। तो अब जरा सोचिए एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो ये तीन क्राइटेरिया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल करने का। तो आप जरा देखो यहां पे इसको फुलफिल कर रहा है, यहां पे ये फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि ऊपर नॉर्मल लग रहा है, एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, ये दोनों अलग फोर्स है, पेयर में है बेशक, लेकिन यहां पर क्या है, सेम नेचर का नहीं है। लेकिन हाँ मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं,
तो मेरे को इधर से फोर्स लग रहा है। मैं अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो उधर से मेरे को 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहां पे सेम नेचर का कह सकते हैं, लेकिन यहां पे सेम नेचर का नहीं है, क्योंकि इसको क्या करेगा, इसको अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचेगा। अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचेगा, एमजी ये अर्थ है तो अर्थ अपने सेंटर खींचेगा, लेकिन ये ऊपर जो है नॉर्मल लग रहा है और ये सरफेस लगा रहा है। ये सरफेस नॉर्मल जो होता है ऊपर क्यों लगा रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्या, यहां पे एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर का नहीं है। बातें समझ में आई या नहीं, एक बार फिर से सोच लो कि यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे इक्वल है अपोजिट इसके बाद दूसरे कहते हैं, लेकिन जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेम नेचर का नहीं है। तो बातें क्लियर है, आइए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे ओनली सुन लो। ओनली क्या है कि आप देखिएगा बुलेट से हम लोग गन से जो बुलेट फायर करते हैं, जब गन से बुलेट हम लोग फायर करते हैं क्या होता है, गन का मास जो होता है बुलेट के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। आप सभी जानते हो गन का मास ज्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है। लेकिन जैसे ही गन को हम फायर करते हैं तो उसके अंदर से बुलेट निकलता है, तो बुलेट निकलता है। तो आपने कभी नोटिस किया हुआ कि बुलेट आगे क्यों जा रहा, आगे क्यों कैसे जाएगा, उसे फोर्स लगे तब तो होता क्या है कि गन का मास ज्यादा होने के कारण क्या होता है, बुलेट आगे की ओर मूव करता है। इसलिए क्योंकि गन का मास ज्यादा होने के कारण बुलेट पे फोर्स लगाता है आगे की ओर, फॉरवर्ड। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हम फोर्स उस पर लगाए हैं तो वो भी मेरे को फोर्स लगाएगा। यहां पर दो डिफरेंट बॉडी हो गया, तो इसके रिवर्स में क्या होता है कि वो भी मेरे को फोर्स लगाता है, वो भी मेरे को फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाता है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पर लिखने के बाद। ये बात आपको क्लियर है, सिंपल आप याद रखिएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो हमेशा आपको काम देगा, तो बोर्ड को रख करना होगा। तो फाइनली अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। और इस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ गौर फरमाइए, इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल और एमजी जो है वो दरअसल न्यूटन थर्ड लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए क्राइटेरिया है कि इक्वल एंड अपोजिट भी होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वहां पर ऐसा हो रहा था, लेकिन क्या था कि एक्शन रिएक्शन जो पेयर था वो बिल्कुल सेम नेचर का नहीं था, डिफरेंट नेचर का था। ये सब जानते हो, ये सब मिसकॉन्सेप्ट है। बड़े क्लास में जाइएगा तो इसको फुल डिटेल में पढ़ना होगा कि क्यों कैसे मिसकॉन्सेप्ट है। वैसे जो बातें मैंने बोला ना सेम बातें आपको बड़े क्लास में भी बताया जाएगा, इसमें कुछ अलग डिफरेंट नहीं बताते हैं। आप जो गॉड फ्लो ना कभी कभी आपने देखा होगा, एक स्टोन लेते हैं ना, एक एग लेते हैं, स्टोन को मारते हैं, एक पर क्या होता है, एक फुट जाता है, होता है ना ऐसा, तो एक फुट क्यों जाता है। अगर हम मान लो कि स्टोन से फोर्स लगाते हैं एक पर, तो स्टोन से एक पर जो फोर्स लगाएंगे तो स्टोन एक पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स रिवर्स में एक भी तो लगाना चाहिए। जब एक लगा रहा है तो फिर फूटा क्यों, जब एक लगा रहा है इस पे तो फूटा क्यों, तो क्या वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, नहीं वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया एक पर वो दरअसल उस एक ने रिवर्स में जो मेरे को फोर्स लगाया उसके कंपेरिजन में कहीं ज्यादा स्टोन का फोर्स है। यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को अप्लाई कर रहा है क्या, यही बात मैं बताना चाह रहा हूं। ये सब क्या है, मिसकॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट है बिल्कुल। इसलिए वो वहां पर उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करना, जो बातें मैंने बताया उसको बड़ी बात अच्छे से सुनिए, समझिए, आप वीडियो को फिर से देखिएगा, सुनिएगा और बातें समझने की कोशिश करेगा कि आखिर मैंने जो बोला है वाकई वो आपके डे लाइफ में एप्लीकेशन होता है, और होता है तो कैसे होता है कि, और वहां पर एक्शन रिएक्शन सेम नेचर का है कैसे है, ये सारी बातें आप समझो, फिर आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बखूबी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपका यहां पे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड एंड गिव्स अ किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन, द गन इज सेड टू हैव रिक्वायर्ड वेलोसिटी। बातें नहीं समझ में आई ना, देखिए मैंने जो बोला बस उसी को, जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला था सेम बात को मैंने यहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा। क्या है जो गॉट माइंड है, आप जानते हो गन के अंदर बुलेट फिल किया जाता है, भरा जाता है, और गन का मास बुलेट के मास के कंपेरिजन में ज्यादा होता है।
तो जैसे ही गन से हम फायर करते हैं बुलेट को, बुलेट आगे क्यों मूव करता है? क्यों आगे क्यों मूव करता है? इसलिए आगे क्यों मूव करता है, क्योंकि गन ने उस पर फोर्स लगाया, किधर? फॉरवर्ड में, वो तो गया। लेकिन ये जो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, बुलेट भी इस पर फोर्स लगाता है। लेकिन बुलेट जो इस पर फोर्स लगाता है, आपको बता दूं, गन का मास ज्यादा होने के कारण क्या होता है, बुलेट जो इस पर फोर्स लगाता है गन पे, इस कारण से क्या होता है, कुछ ही बैकवर्ड में आता है। लेकिन गन का मास ज्यादा होने के कारण क्या होता है, गन मैन के शोल्डर पे एक बहुत ही जोर से किक मारता है, झटका मारता है, और इसी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से गन पीछे हुआ है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन या रिक्वायर्ड ऑफ गन। बातें समझ में आई ना? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब कहोगे सर आपने बताया, हाँ बिल्कुल ये भी पता है, ये भी आप कहोगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल है, हाँ थोड़ा समझने के हम लोग कह देते हैं, लेकिन हकीकत मानो अगर समझोगे तो पता यह चलेगा कि ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्यों? क्योंकि अच्छा सोचो, वो पीछे कम ही क्यों आया, जितना उसे फोर्स लगा उतना ही बैक होना चाहिए। चलिए बातें समझ में आ रही है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, अ स्विमर पुशेस द वाटर विद हिज हैंड्स एंड फीट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द वाटर, इट इज रिएक्शन टू दिस फोर्स दैट पुशेस स्विमर फॉरवर्ड। आपने कभी देखा होगा नदी में हम लोग तैरते रहते हैं, नदी में तैरते हैं ना, तो क्या होता है कि फोर्स हम हाथों से बैक लगाते हैं, और फोर्स हम बैक लगाते हैं और एक्शन आगे हो रहा है, एक्शन आगे हो रहे हैं, रिएक्शन पीछे हो रहा है। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है कि नहीं है? हमने क्या किया, पानी को हटाया, मतलब फोर्स किधर, पीछे लगाया, पीछे लगाया, रिएक्शन आगे हुआ, फोर्स हम बैक में लगा रहे हैं ना, तो फोर्स में बैक लगाना मतलब एक्शन, और उसी पे रिवर्स में क्या हो रहा है, रिएक्शन हमारा आगे तरफ हो रहा है, हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहा है, दिस इज एक्शन, और इसके बदले में ये वॉल जो है हम पर फोर्स लगा रहा है, दिस रिएक्शन। बातें समझ में आ रही है, ये एक्शन और रिएक्शन का केसेस। और इसके बाद हमारा थर्ड एग्जांपल जो है आप वर्क में आएंगे, द प्रोपेलर्स ऑफ एन एरोप्लेन पुशेस द एयर बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ द एयर मेक्स द एरोप्लेन मूव फॉरवर्ड। आपने कभी देखा होगा रॉकेट का जो एग्जांपल था, रॉकेट के अंदर फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल बर्न करता है, तो एग्जॉस्ट जो होता है क्या होता है कि उसमें से निकलता है और वो पीछे फोर्स लगाता है, ठीक है, और इसके कारण से उसके रिवर्स में जो होता है वो आगे जो मूव करता है। समझ बात आ रही है? वही बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। The aeroplanes, the propellers of an aeroplane pushes the air backward and the forward reaction of the air makes air जो था फॉरवर्ड लगाता है, गैस पीछे लगाया फोर्स, एयर आगे लगाया, इस कारण से क्या होता है कि एरोप्लेन आगे की ओर मूव करता है। ये तो मैंने बताया एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है बातें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आज जैसे हम जो बताने वाले थे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है और उसका एप्लीकेशन और उसमें क्या क्या मिस कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बताया। उम्मीद है बातें आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज इतना ही, थैंक यू।